हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के बारे में। जैसे कि हम शेड्यूल पावर ऑन ऑफ सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो पावर ऑन पर। ऑटो पावर ऑन का मतलब होता है जैसे ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन जो है ऑन हो जाएगा, यानी कि सुबह 7 बजे मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ तो सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पावर ऑफ, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन कितने बजे ऑफ होता है, जितने बजे आप यहाँ पर शेड्यूल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 बजे का शेड्यूल कर रखा है और मैंने यहाँ पर 10 बजे ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि फ़ोन ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर दोनों को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।